भारत सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजना चलाती है। देश की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा किसान तबके से आता है, इसलिए सरकार खास तौर पर किसानों के लिए भी बहुत तरह की योजना लेकर आती है। भारत के कई किसान ऐसे हैं जो आज भी खेती के जरिए ज्यादा आय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे किसानों को भारत सरकार आर्थिक सहायता देती है। इसी के लिए साल 2018 में भारत सरकार ने किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना में सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। सरकार की इस स्कीम में अब तक कुल 18 किश्तें जारी की जा चुकी हैं। अब किसानों को 19वीं किस्त का इंतजार है। सरकार इस दिन जारी कर सकती है योजना की 19वीं किस्त। इन किसानों को नहीं मिल पाएगी 19वीं किस्त का लाभ। जी हाँ, भारत सरकार देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तौर पर 6,000 रुपए 3 किश्तों में भेजती है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में योजना के पैसे पहुंच जाते हैं। सरकार इस योजना की अब तक 18 किश्तें जारी कर चुकी है, जिसका लाभ देश के 13 करोड़ से ज्यादा किसान ले चुके हैं। 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की 18वीं किश्त भी जारी की थी। अब योजना से जुड़े किसान 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार 4 महीने के अंतराल पर एक किश्त भेजती है। 18वीं किश्त अक्टूबर में जारी हुई है, जो उस हिसाब से 19वीं किश्त अगले साल फरवरी में जारी की जा सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। भारत सरकार ने किसान योजना में लाभ लेने के लिए कुछ मापदंड भी तय किए हैं। जो किसान इन मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें इस योजना में लाभ नहीं दिया जा सकता। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ ले रहे किसानों के लिए ई-केवाईसी और भू सत्यापन करवाना अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। जिन किसानों ने 19वीं किस्त से पहले ये दोनों काम नहीं करवाए, तो उनकी 19वीं किस्त अटक जाएगी, इसलिए जरूरी इन कार्यों को पूरा किया जाए।